काय आहे सर? अरविंद देसाई सर है, उनकी पत्नी सर। ओके, इनके यहाँ पर अंदर मेरा सेकंड वीडियो है, सेकंड वीडियो। उल्लू पकड़ा था, जख्मी बन। तो ये पक्षी हमने यहाँ पर इसको किया था। तो यहाँ पर काफी देर से अभी जो पेस्ट कंट्रोल का ये बनाया है, इसने इनको साफ दिखाई दिया। देखिए, ना सिर्फ दिखाई दे रहा है तो है, तो भी वो जिंदा है या नहीं है ये कन्फ्यूज हो रहा है। और देखते हैं अभी क्या होने वाला है, क्योंकि ये जगह ही ऐसी कुछ है। सर मरा हुआ है, आई थिंक मेला से जिंदा है, लेकिन पूरी तरह से वो जख्मी है। इसको निकालते है, बहुत बुरी तरह से जख्मी है, लेकिन अभी हमारे हाथ में वो करेंगे। मैम आला या ए हे कसा है, त्याला लावून पण बरेच दिवस झाले, 3 महिने तरी झाले, 3-3.5 महिने झाले ते लावून ठेवले। पण आमची मांजरं आहेत ना, ती एवढी शिकारी आहेत की ती इतके दामन कितनी बुरी तरह से अटका हुआ है, जिंदा है वो। काय ते सापच दामन दामन ना नहीं जीवंत है कि ते बघा जीव काढला ना भाई, त्याला पाणी पाणी भरपूर टाकलं ना तर हे होतं बळी। आता आम्हाला पण त्यांनी तिथे लिहिलेलं होतं, घेऊन ये बघा पाणी पाणी त्यांच्या तर नळाखाली थांबा थांबा ते बकेट ने तर ते जीव हा जीवंत आहे की? दोस्तों इसको अभी फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह से अटका हुआ है, वहाँ से निकाल के उसको ठीक करना अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। सिर्फ 1.5 साल का ये सांप हो सकता है, और धामन है। हम जो कन्फ्यूज़ थे कि काफ़ी देर सांप अटका हुआ है, क्योंकि इसमें अटका हुआ है हमें पता नहीं था, क्योंकि सांप इतनी देर क्यों रुका रहेगा, जो मैंने पूजा के साथ शेयर किया 99% क्यों बोला, क्योंकि वो बात झूठ भी हो सकती तो शेयर हो जाए। और फिर निकला तो भी इस हालत में, अभी ये चूहों के लिए बनाते हैं, लेकिन कभी कभी सांप आके इस तरह से बुरी तरह से अटक जाते हैं। देखते हैं ये यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है, ये शौच किया है इसने डर कर। मसले सर के धामन का बच्चा है दोस्तों, पेस्ट कंट्रोल जो चूहों को मतलब अटकाने के लिए हो या पकड़ने के लिए एक आसान रास्ता है, लेकिन कभी कभी दूसरे प्राणियों के लिए खतरनाक बन जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और अभी उसको दिक्कत यह है कि सांप को खींच के नहीं निकाल सकते, पाँव नहीं है, फिर भी सांप चलता है। उसका कारण होता है उसकी शल्क, और वही शल्क अगर उसकी ख़राब हो गई तो सांप के लिए वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है, या उसकी जान पर भी बन सकता है। तो जितना आसान हो सके उतना हम आसानी से उसको अलग करने की कोशिश करेंगे। स्टिक करे से ती गम आहे त्याला, उंदीर अडकतात त्याच्यावर। पाणी सर इथे आल्यावर मरत नाही काय, उंदीर जगे जीवंत असतात आणि त्यांना बाहेर येता येत नाही, ते बाहेर चिकटून राहतात। आता हे झालं ते उंदराचं होतं आहे, हां तेच उंदराचं होतं आहे। पाणी पिलास का करायला आणि मला वाटतं 1-2 दिवस अकालच सर बहुतेक गेलं असणार आहे, कारण काय हां तेव्हाच फार जुना नसणार आहे। अभी भी शल्कों को कुछ नहीं हुआ है। मुझे भी चिपक रहा है तो फार स्ट्रॉंग असतो।
आकाश पाइप पकड़ सर, दुनिया तरह ट्रैक कर बंदे सर, दुनिया तरह ट्रैक कर। बंद करा जरा, बंद करा पाइप। आप हमारे साथ बने रहिए, फिलहाल इसकी जीभ बाहर निकल रही है, एक अच्छी बात है। मुंह फैला रहा है, आंखों को उसके दिखाई दे रहा है। 1.5 साल का बच्चा है और पूरी कोशिश करेंगे कि ये इससे, मतलब अभी जो इस तरह से चिपका है या हाथ से भी इस तरह से निकल रहा है, लेकिन और कुछ रास्ता रहेगा जिससे वो आसानी से निकले, वो सब हम यहाँ पर आजमाएंगे और इसको सुरक्षित इससे बाहर निकालेंगे। आप हमारे साथ बने रहने के लिए, मतलब ऐसी कुछ हरकतें बातें इस काम में होती रहती हैं और आपसे हम शेयर तो करते हैं। ये तो मेरे साथ पहली बार है, बहुत सारे सांप मतलब डांबर में अटके वगैरह ऐसा हमने पकड़ा है, जख्मी हालत में मिल जाते हैं, अंदरूनी जख्म है उसको ठीक करना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये बाहर से है और ये आसानी के साथ अगर निकलेगा तो आराम से अच्छा हो सकता है। और इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर रुकते, लेकिन इस तरह से सांपों को बचाने का, डर दूर करने का, जानकारी देने का सफ़र जारी रहेगा। अरविंद सर है, उन्होंने अच्छी तरह से उसको देखा, उनको कन्फ्यूज हो रहा था कि ये सांप है कि नहीं, फिर भी उसको बचाना ज़रूरी समझा और उन्हीं के कारण हम यहाँ पर आके पहुँचे। अगर ये नहीं देखते थे तो पता नहीं चलता था और यहाँ पर ऐसे ही अटका रहता था ये सांप, तो मिलना मतलब उसको बचाना मुश्किल हो जाता था। तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और साथी में मेरे दोस्त यहाँ पर रहे, आरती ने कैमरा पकड़ा है, पूजा रही और आकाश साथ में रहा, तो उनका सबका धन्यवाद करते हैं। और इस सांप को बचाने का सफ़र आगे भी चलता रहेगा, आगे भी कुछ बातें हम आपसे किस तरह से इसको हम निकाल पाए क्या हुआ शेयर करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकना पड़ेगा। आप हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। काफ़ी देर पानी में छोड़ने के कारण थोड़ा सा ये लूज हुआ है, इसको अभी क्या करने का समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसको नारियल का तेल लगाने का सोच रहे हैं। काट रहा है, पानी में इसको तकलीफ नहीं है शायद, उसको घूमने को आ रहा है। कुछ फर्क पड़ रहा है, मेरे हाथ का गया था इसलिए मैं लगा कर देख रहा हूँ, मेरे हाथ को जो चिपका हुआ था इससे थोड़ा वो निकला था, अभी वही तरीका उसको अपना रहा हूँ मैं। पता नहीं कितना चिपक कर जाएगा ये, अगर इसको मिट्टी मतलब मिट्टी में थोड़ा छोड़ थोड़ा निकल रहा है, अभी काफ़ी देर लगेगा, सब निकल सकता है ये, लेकिन काफ़ी देर लगेगा क्योंकि पहले से भी एक्टिव लग रहा है। थोड़ा ब्रश लेके नहीं कर सकते ना, कौन सा टूथ ब्रश? इसको राख लगानी पड़ी। एक अच्छा तरीका लगा हमें, अभी ये थोड़ा सा ये भी रहता है, चिपक रहा है पूरा, और ये सांप को चिपकाने का कम कर सकता है और हो सकता है थोड़ा सा मतलब जैसे जैसे हम लगा रहे हैं वैसा थोड़ा चिपकने का कम हो रहा है, तो इससे भी और ज़्यादा कम हो सकता है, देखते आगे क्या होता है।